अस्सलाम वालेकुम। जॉब इंफॉर्मेशन गाइडेंस एंड खुश आमदीद। सिंध के बेरोज़गार उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की अनाउंसमेंट आज हुई है। सिबा सिंध टेस्टिंग सर्विसेज ने स्केल 5 से स्केल 15 तक के सैंपल पेपर आज जारी कर दिए है। टेस्ट का इनका कब होगा, कौन कौन से टेस्ट सेंटर होंगे, टेस्ट कब लिया जाएगा, मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि जब भी मैं कोई सिंध गवर्नमेंट की या वफाकी गवर्नमेंट की कोई जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको बरक मौसूल हो सके। इसलिए आप मेरा चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन गाइडेंस विजिट कर सकते हैं। इसमें बेशुमार सिंध की वफाकी गवर्नमेंट की जॉब की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, उन्हें भी आप वॉच करिए, इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो देखते हैं जी आज का जॉब का सैम्पल पेपर, ये देख सकते हैं सखर आई बी ए टेस्टिंग सर्विसेज, इसका सैम्पल टेस्ट पेपर रखे थे जी। आपका जो टेस्ट होगा, टेस्ट का इनका होगा 5 से 15 स्केल का हो, किस किस्म का होगा, उसका सैंपल का तरीका क्या रखा होगा, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस पेपर के 3 पार्ट होंगे, पहला इंग्लिश का, दूसरा मैथमेटिक्स का, तीसरा जनरल नॉलेज का। इंग्लिश भी 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 20 नंबर का और जनरल नॉलेज 40 नंबर का होगा। पार्ट 1 में इंग्लिश है जी, रीडिंग एंड कंप्रहेंशन, इस तक आपको टेस्ट में कंप्रेशन आपको दिया जाएगा, आपने इसको रीड करना है और कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे होंगे, आपने उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे करने हैं, ABC। तो अगर आप इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हैं, गिरफ्त आपकी अच्छी है, कंप्रेशन की तैयारी करें, इसको स्टडी करें, रीड करें, इसका आप सॉल्व करने का तरीका देखें, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा कि आप इसके क्वेश्चन के जो आंसर हैं इजीली दे सकें यहाँ पर पेपरों में। नेक्स्ट जो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी अल्फाज और मतदाद, सिनोनिम्स वर्ड होंगे टोटल 5, ये एक वर्ड दिया होगा उसमें कोई से 4 जो पॉसिबल आंसर होंगे एक उसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा। इस तरह 5 नंबर का कहता है जी, एक एंटोनियम्स होंगे, एक वर्ड आपको दिया जाएगा उसके अगेंस्ट जो वर्ड होगा आपने उसको सर्च करना है। स्पेल चेकिंग होगी, 5 क्वेश्चन होंगे उसके सेल्फ स्पेल चेकिंग के, तो जो राइट स्पेलिंग होगी आपने उसको चूज़ करना है, इसलिए आपकी जो है वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इस पर भी आप ज़रूर तैयारी करें, ये अपना स्ट्रॉन्ग इसको भी बनाएं। अच्छा, एरर डिटेक्शन फाइंड आउट मिस्टेक, एक आपको ऐसे जो सेंटेंस दे दिए जाएंगे आपने उसमें एरर फाइंड करना है, तो आपकी ग्रामेटिकल ग्रामेटिक्स जो है आपकी ग्रामिक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरब आपके सेंटेंस बहुत अच्छे होने चाहिए, आप इसकी भी तैयारी जरूर करें। वो आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता रहे हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी। प्रपोजिशन आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसे 5 प्रपोजिशन होंगे जो राइट प्रपोजिशन होगा आपने इस ब्लैंक जगह उसको फिल करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा कि सेंटेंस को आपने कम्प्लीट करना है, तो वो टोटल 5 वो होंगे, आपने इनको भी तैयारी कर लेनी इनकी भी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पार्ट होगा मैथमेटिक्स का होगा, मैथमेटिक्स में कहता है जी आपको प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है, 8, 9, 10 की जो 7, 8, 9 की जो बुक है आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं, बेसिक लेवल की बहुत आसान होती है। इस आगे जे के जी कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पास, वो आपने सॉल्व करने हैं, विच वन इज लार्जेस्ट ये आपने बताना है। मैथमेटिक्स से 20 नंबर का पेपर आपको होगा, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन होंगे इसमें से। अच्छा, पार्ट 3 में जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें करंट अफेयर और वर्ल्ड जनरल नॉलेज भी शामिल है। करंट अफेयर यानी कि दुनिया के मौजूदा और पाकिस्तान के मौजूदा हालात हाजरा जो चल रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ को टच करें, मौजूदा सिंध का गवर्नर कौन है, पंजाब का गवर्नर कौन है, वज़ीर आला कौन है, सदर कौन है, हालात क्या है मुल्क के आज टाइम, जनरल मुबादला वज़ीर ख़जाना कौन है, आप इनको टच करें, ये देख लें जी। करंट अफेयर में से 15 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन कहता है जी एवरीडे साइंस में होंगे, बहुत आसान होते हैं, इस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ये देखने ये करंट उसमें से है आपका, एवरीडे साइंस में से इस्लामिया तो पाक स्टडी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 5 नंबर का ये होगा, नेम द इस्लामियात में से पाक स्टडी में से 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर में से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आप उसमें स्टडी करना चाहिए। आपको एक एट दी एंड आपको मशा भी देता हूँ, एक वेबसाइट है जी, आप वहाँ से ये इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ये इस्लामियात पाक स्टडी जनरल नॉलेज करंट अफेयर वर्ल्ड अफेयर 40 नंबर आपके कन्फर्म वहाँ से आ सकते हैं। इंग्लिश का भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आपका एरिया कवर हो जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, pakmcq.com के नाम से एक वेबसाइट है, आप उसे जरूर विजिट करिए, इंशाल्लाह बहुत ईजी वे में आप अच्छी तैयारी वहाँ से कर सकेंगे, आपको फ़ायदा भी होगा। अच्छा जी, एट दी एंड में आपको बताता चलूँ कि टेस्ट कहाँ पर होगा, कब मुनक़द किए जाएंगे, कि कौन कौन से टेस्ट सेंटर में मुनक़द किए जाएंगे। दिसंबर से कहता है जी 5 से 15 स्केल के टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में।
अच्छा कौन कौन टेस्ट सेंटर होंगे? एक सखर को होगा, एक हैदराबाद में होगा, एक लड़काना में, एक नवाबशाह में, एक मीरपुर खास और एक कराची में। ठीक है जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।